हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्री और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ ह्यूज नायका हॉल। ये नायका हॉल वीडियो का पार्ट टू है। पार्ट वन ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर शेयर कर दिया है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा। तो चलिए मैं बिना देर किए अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। एक ये बॉक्स है, हाँ अगेन ये लिपस्टिक है, ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक है और ये काफ़ी अच्छे ऑफर में थी। ये स्मैश बॉक्स की लिपस्टिक है। एक्चुअली मैं कोशिश कर रही थी कि मैं इसका बड़ा पैकेट पर बड़ी साइज़ वाला प्रोडक्ट परचेज करूं, बट वो स्टॉक में नहीं था और इसके पर बाय वन गेट वन का ऑफर था, तो जो कि काफ़ी अच्छा ऑफर था, तो मैंने इसलिए ये वाला जो इसका कॉम्बो पैक है वो ऑर्डर किया। इसमें मुझे जो मेरा फेवरेट शेड है वो ड्राइवर सीट है, वो उसी के लिए मैंने ये वाला लिपस्टिक बॉक्स परचेज किया है। तो अगेन जो दूसरा वाला शेड है वो मेरे लिए ट्राई ऑन होगा, बट एनी वेज मीन ये अगर सिंगल भी मुझे बाय वन गेट वन पे मिला है तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी डील है। तो अगेन ये मेरा फेवरेट परचेस है। तो नेक्स्ट बॉक्स जो है वो अगेन मारियो बडोस्को से है। सो ये मेरा ट्राई ऑन प्रोडक्ट है। ये मारियो बडोस्को का टोनर है, जो इसके काफ़ी रिव्यू मैंने पढ़े हैं। ये एलोवेरा का टोनर है, तो मैंने इसको ट्राई ऑन के लिए परचेस किया। इसके ऊपर काफ़ी अच्छे ऑफर थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस ऑफर वाले टाइम में, इस सेल वाले टाइम में इसको परचेस किया जाए और क्यों ना इसे ट्राई दिया जाए। तो बेसिकली ये फेशियल स्प्रे विथ एलो हर्ब्स एंड रोज वाटर है, तो बेसिकली ये एलोवेरा और रोज वाटर से बना हुआ है। देखते हैं इसके रिजल्ट क्या आते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो अगेन मारियो बडोस्को से है। तो ये जो मेरा प्रोडक्ट है ये मेरा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, इसलिए मैंने इसे रीस्टॉक कर लिया और क्योंकि ये सेल के टाइम पे काफ़ी अच्छे ऑफर में था, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी डील है। ये बेसिकली मैं पिंपल्स के लिए यूज़ करती हूँ। इसका काम बेसिकली हमारे फेस पे जो पिंपल्स आ जाते हैं उसको ड्राई करने का है। मैं इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये मुझे काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट, काफ़ी काम वाला प्रोडक्ट लगता है। तो यहाँ पर नायका से परचेज किए प्रोडक्ट खत्म हो जाते हैं। होपफुली मैंने सारे बॉक्स जो है वो आप लोगों को दिखा दिए होंगे। अब बारी आती है जो मैंने स्टोर से परचेज किया है उन प्रोडक्ट्स की। कुछ प्रोडक्ट मैंने सफोरा से बाय किए हैं और कुछ प्रोडक्ट मैंने शॉपर स्टॉप से बाय किए हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने इवन बेटर जो है वो नायका से भी परचेस किया था, लेकिन वहाँ से मुझे कोई ऑफर नहीं मिला था। शायद मैंने वो सेल के पहले ही उसका ऑर्डर प्लेस कर दिया था, इसके लिए उसके ऊपर मुझे कुछ ऑफर नहीं मिला था। मुझे कॉम्प्लीमेंट्री वो मॉइस्चर सर्ज मिला था, बट ये मैंने जैसा स्टोर पे देखा कि इसके ऊपर कुछ 20% का ऑफ चल रहा था, जो कि काफ़ी अच्छी डील है। मैं क्लिनिक के प्रोडक्ट काफ़ी टाइम से परचेज कर रही हूँ, लेकिन मुझे 20% डिस्काउंट शायद ही देखने को मिला होगा। तो मैंने एक ये वाला प्रोडक्ट इवन बेटर अगेन रीस्टॉक किया है। ये मेरे पास दो हो जाएंगे, एक जो बॉटल है वो मैंने यूज़ करने के लिए ओपन कर लिया और ये सेकेंड वाली जो बॉटल होगी वो मेरी फ्रेश सेव रहेगी। इसके अलावा मैंने मेरा मॉइस्चराइजर भी परचेज किया है। मैं कोशिश करती हूँ कि कॉम्बो वाले प्रोडक्ट ही यूज़ करूँ, क्लिनिक के कॉम्बो वाले प्रोडक्ट ही बाय करूँ, क्योंकि इसके अंदर जो हम प्राइस देते हैं वो हमारे मेन प्रोडक्ट की प्राइस देते हैं, बट हमें इसके साथ दो प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री फ्री मिलते हैं। इसमें मुझे एक क्लिनिक का मॉइस्चर सर्च और एक फेस वॉश फ्री मिला है। तो अगर मैं क्लिनिक के मॉइस्चर सर्च की बात करूँ तो इसके अंदर मुझे एक ओवरनाइट क्रीम फ्री मिला है और एक मुझे आई क्रीम फ्री मिला है। तो ये काफ़ी अच्छी डील होगी और अगेन इसके ऊपर मुझे 20% डिस्काउंट मिला, तो मैं काफ़ी खुश थी इसको खरीदने के बाद। इसके अलावा क्योंकि मैंने ये स्टोर से परचेस किया है तो मुझे कुछ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट भी मिले हैं। इसके साथ मुझे एक बॉबी ब्राउन की लिपस्टिक स्टोर वालों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री फ्री दी थी। इसके अलावा मुझे एक आई क्रीम भी फ्री मिला था, तो ये रहा वो आई क्रीम जो मुझे फ्री मिला था। इसके अलावा उन्होंने मुझे एक एक्सफोलिएटिंग टोनर दिया था, वो मैंने ख़त्म कर दिया यूज़ करके क्योंकि वो काफ़ी छोटी क्वांटिटी में था। तो ये मुझे क्लिनिक के प्रोडक्ट परचेज करने पे फ्री मिला था। इसके अलावा मैंने सफोरा से भी कुछ एस्टेल ऑर्डर के प्रोडक्ट परचेज किए थे। वहाँ पे कुछ ऑफर इस तरीके का चल रहा था कि अगर मैं दो प्रोडक्ट बाय करूँगी तो मुझे कुछ 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा आई गेस। तो मैंने यहाँ पे ये जो मेकअप रिमूवर, मेकअप क्लिंजर है, मेकअप क्लिंजिंग बाम है, या एस्टेल ऑर्डर का परचेज किया है। इसके पहले जो मैं मेकअप रिमूवर क्लिंजिंग बाम जो यूज़ करती हूँ वो क्लिनिक का है, बट एस्टेल ऑर्डर के साथ कंडीशन थी कि अगर मैं दो प्रोडक्ट परचेज करूंगी तो ही मुझे ऑफर मिलेगा। और ये प्रोडक्ट परचेज करने के पीछे एक दूसरी कहानी है। मुझे एस्टेल मुझे क्लिनिक का जो टेक द डे ऑफ बाम मेकअप रिमूवर है वो परचेज करना था, बट मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार एस्टेल ऑर्डर को ट्राई करती हूँ और देखती हूँ उसके रिजल्ट कैसे हैं। क्लिनिक का जो हमारा टेक द डे ऑफ बाम है वो तो डेफिनेटली अच्छा है ही,
बट इसके भी मैंने रिव्यू काफ़ी अच्छे सुने हैं, तो मैंने इसे परचेज किया है। लेकिन इसके पीछे एक और कहानी है। मुझे ये वाला जो लिपस्टिक है स्टेल ऑर्डर का, ये परचेज करना था। ये लिपस्टिक जो है 314 है इसका नंबर, और ये लिपस्टिक मैं काफ़ी टाइम से परचेज करना चाहती थी, बट क्योंकि इसका ऑफर मुझे कहीं पे भी ना तो स्टोर पे ना नायका पे कहीं पे भी नहीं मिल रहा था, इसके लिए मैं इसका काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी कि एस्टेल ऑर्डर पे कुछ ना कुछ ऑफर आए और मैं इस लिपस्टिक को परचेज कर लूँ। बट क्योंकि इसके ऊपर 20% का ऑफ तभी था जब मैं इसके ऊपर दो प्रोडक्ट बाय करूँ, तो इसीलिए मैंने क्लिनिक का टेक द डे ऑफ बाम ना परचेज करते हुए एस्टेल ऑर्डर का जो क्लिनजिंग बाम है वो परचेज किया। डेफिनेटली मुझे लगता है इसके रिजल्ट भी काफी अच्छे होंगे, तो क्यों ना इसे एक बार ट्राई किया जाए। और अगेन इसके साथ भी मुझे कुछ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट मिले हैं। इसके साथ उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट दिए हैं कुछ, उसमें एक मुझे इन्होंने टू फेस का जो लिप इंजेक्शन है वो दिया है। इसके अलावा मुझे मैक के स्मॉल वाले जो मेकअप फिक्सर हैं ये उन्होंने दो दिए हैं। एक और कौन चला गया, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने मुझे एस्टेल ऑर्डर का यूथ पावर क्रीम दिया है, जो कि ऑलरेडी मैं यूज़ कर रही हूँ, तो ये भी मेरे लिए काफ़ी अच्छी डील होगी क्योंकि ये भी मुझे फ्री में मिला है। 5 ml का प्रोडक्ट है बट काफ़ी अच्छी डील थी। तो होपफुली यहाँ पर मैंने अपने सारे प्रोडक्ट्स जो भी मैंने सेल के टाइम पे परचेज किए हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, वो सारे आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट जो मुझे परचेज करने थे वो या तो स्टॉक में नहीं थे या फिर उनके ऊपर ऑफर नहीं थे, तो कुछ एक दो प्रोडक्ट ऐसे हैं जो अभी आना बाकी है। वो जब भी मुझे रिसीव होते हैं तो मैं आप लोगों को वो प्रोडक्ट भी जरूर शेयर करूंगी। अब मुझे यहाँ पर वीडियो अपलोड करने के पहले कुछ प्रोडक्ट रिसीव हो गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इन प्रोडक्ट्स को भी इस वीडियो में ऐड कर दिया जाए। यहाँ पर मैंने ऑर्डर किया है कि टू फेस का बोन दिस वे कंसीलर। मैंने सुना था कि ये काफ़ी अच्छा कवरेज देता है, काफ़ी अच्छा कंसीलर है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे भी सेल के ड्यूरेशन में ही परचेज किया जाए, तो यह मेरा ट्राई ऑन प्रोडक्ट होगा। और यहाँ पर जो मुझे सेकंड प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, ये मैंने पर्पल से ऑर्डर किया था क्योंकि मुझे नायका और पर्पल के डिस्काउंट में कुछ डिफरेंस दिख रहा था, तो मुझे लगा कि क्यों ना पर्पल से मैं ऑर्डर कर दूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर्पल से काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा था। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया है, ये क्लिनिक का क्लियरिफाइंग लोशन है, ये नंबर 2 लोशन है, ये एक्सफोलिएटिंग टोनर है जो हमारी स्किन को माइल्डली एक्सफोलिएट करता है। मैं इन सारे प्रोडक्ट्स की लिंक्स इनके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। डेफिनेटली मैं इन सभी प्रोडक्ट के रिव्यू और इनके क्या फायदे हैं, ये प्रोडक्ट मुझे कैसे लगे, वो सभी आप लोगों के साथ अपकमिंग वीडियो में शेयर करूंगी। तो यस, दिस इज इट, यही था आज का मेरा हॉल वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहती हूँ, आप सभी में से जो भी व्यक्ति लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करेगा, उनमें से किसी एक व्यक्ति का नाम मैं अपने नेक्स्ट आने वाले वीडियो में लूंगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय, लव यू।